अभी बताने वाले हैं टेंस और इसे उससे रिलेटेड कुछ मुख्य बातें, और फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ वर्ड सेंटेंस बताएंगे। तो सबसे पहले कि टेंस कितने होते हैं और टेंस के कितने भेद होते हैं। तो टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस सबसे पहले TENS टेंस ये स्पेलिंग हो गया और इसका हिंदी होता है काल। काल कितने होते हैं, ठीक है, और काल से किसका बोध किया जाता है। तो काल जो है ये समय का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़, ठीक है, उसके समय को बोध कराने के लिए ही टेंस का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो बीता हुआ समय हो या आने वाला समय हो या अभी फिलहाल जो चल रहा हो। तो टेंस के कितने भेद होते हैं। टेंस के तीन भेद होते हैं। एक जो बीत गया है, तो बीत गया उसको क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। बीत गया उसको क्या कहते हैं, पास्ट। जो अभी चल रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट। और जो भविष्य में आने वाला है, ठीक है, यानी जो आगे आएगा उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने होते हैं, तो टेंस के तीन भेद होते हैं, ठीक है। टेंस के कितने भेद होते हैं, तो टेंस के तीन भेद होते हैं। पहला है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट और तीसरा है फ्यूचर। इससे बीते हुए समय को बोध कराने के लिए किया इसका प्रयोग किया था। प्रेजेंट जो वर्तमान समय जो चल रहा है उसका बोध होता है, और ये फ्यूचर भविष्य में यानी कि आने वाले समय का बोध कराया जाता है। इसका सबसे आसान पहचाने का तरीका पास्ट, इसमें होता है था थे थी, यानी कि इसके लास्ट में था लगा हुआ ही होगा, था हो थी हो थे हो लगा हुआ रहेगा। उसके बाद आता है प्रेजेंट में कुछ भी रहेगा लेकिन लास्ट में है रहेगा ही, ठीक है। चाहे जो वाक्य हो, मिश्र वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो या जो भी वाक्य हो, उसके लास्ट में है होगा ही होगा या है का उच्चारण आएगा। उसके बाद आते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आएगा गा गे गी। इसका सिंबल है गा गे गी। सैल या विल होता है, इसमें होता है आय मिजार और इसका होता है वाद वेयर। इसका होता है आर एज आर और इसका होता है सैल या विल। बस ये मेन इसका पॉइंट है। उसके बाद जब भी ये टूटता है तो इस तीनों के अनुसार ही टूटता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं पास्ट टेंस, ठीक है, उसके बाद बताएंगे फ्यूचर प्रेजेंट और उसके बाद बताएंगे फ्यूचर। तो ये तो समझ में आएगा। अब इसके चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं। फिर इसके भी चार भेद होते हैं और फिर इसके भी चार भेद होते हैं। तीनों के कितने कितने भेद होते हैं, तो चार चार भेद होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सब को चारों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। ये चारों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऑल ओवर 12। और सबका छ फॉर्मूला होता है, यानी जिसको सूत्र कहेंगे, फॉर्मूला कहेंगे या बनाने का नियम कहेंगे, तरीका कहेंगे, रूल कहेंगे, जो कहेंगे। तो क्या होता है, सबके छ होता है। अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, फिर इंट्रोगेटिव होता है, तो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव के बाद होता है निगेटिव, उसके बाद होता है WH और WH निगेटिव। यानी एक वाक्य के छ होते हैं, और तो जब एक वाक्य के छ होंगे तो छ बनाने का नियम भी होंगे, और जब छ बनाने के नियम हैं तो सबके छ होंगे, तो इसका क्या, चार चार चार, तो कितना का टोटल, 12। और 12 गुना 6 तो कितना लगा, 12×6=72, यानी कि 72 रूल्स होंगे टोटल। यानी टोटल ऑल ओवर टेंस में कितने सूत्र होंगे, तो 72 होंगे। और जिसको ये 72 मालूम है या ना भी मालूम है, तो आदत हो जाता है बोलते बोलते या बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो वो इंग्लिश आसानी से समझने लगता है, बोलने लगता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रामेटिकल ही समझ कर बोल सकते हैं, ठीक है, वैसा नहीं कि ग्रामेटिकल बोलने के लिए स्पोकन में जो होता है तो अगर एक दो वर्ड छूट भी रहा है तो बोलने का तरीका सही है, तो जब उसका थॉट्स निकल रहा है कि हाँ क्या कहना चाह रहा है तो उसे वो समझ में आ जाता है। लेकिन लिखने के लिए
क्या होता है ग्रामर की जरूरत पड़ती है, ग्रामर की जरूरत पड़ेगी लिखने के लिए, तो लिखने के लिए क्या होता है लिखना शुद्ध होगा। अगर बोलने में अगर एक दो वर्ड छूट जा रहा है, मिस कर जा रहा है कोई नियम पे, ठीक है, सल वील अमीदार वाज वियर इसमें सबके चार चार होते हैं, तो उसके बाद अगर बोलने में कुछ छूट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने के लिए शुद्ध शुद्ध लिखना पड़ेगा। बोलने में तो बस समझ में आना चाहिए बस, ओके। तो इसके चार इसके चार टेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वाजवेयर पहचानने का इसका तरीका अमीदार और इसका सैलेबी, इसके चार टोटल कितने हो गए 12। अब बताते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बता दे रहे हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर तीनों में से किसी एक को पहले, तो सबसे पहले प्रेजेंट के बताते हैं। इसको होता है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT प्रेजेंट CONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, PRESENT प्रेजेंट PROGRESSIVE प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, PRESENT प्रेजेंट IMPERFECT प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसके तीन नाम होते हैं, तीनों में से कोई एक लिखेंगे या एक बोलेंगे तो सही है, लेकिन अगर नॉलेज के लिए तीनों मालूम है तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि कोई भी बोले हमको तो समझना है, बस समझ में आ जाएगा, पता होना चाहिए। तो इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब आते हैं तीन नंबर, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT प्रेजेंट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT प्रेजेंट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS TENS। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के चारों हो गए, ठीक है, जिसमें से ये यहाँ पर जो वाक्य लिखा हुआ है वो यही सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है, और ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव नहीं निगेटिव है, ठीक है। तो इसका अभी फॉर्मूला ये इसका तो बताएंगे ही। उसके बाद दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लाइन बाई लाइन सभी को एक एक वीडियो में करके बता देंगे, फिलहाल इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताएंगे। उसके बाद ये तो भेद हो गया प्रेजेंट टेंस के, अब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये तो प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ इसमें प्रेजेंट है ना वहाँ पे केवल पास्ट लिख देंगे तो पास्ट का हो जाएगा, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ ये इसमें प्रेजेंट है अगर वहाँ फ्यूचर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा फ्यूचर टेंस के ये टोटल भेद हो जाएंगे। सो इस तरह से अगर एक याद रहेगा तो एक से तीनों को बना सकते हैं, उसके बाद अगर एक फार्मूला याद रहेगा तो एक से 6 फार्मूला बना सकते हैं, यानी मात्र 12 फार्मूला याद रहना चाहिए तो 12 से 72 आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ एक निगेटिव लिखा होगा, ठीक है, इसी को 6 वाक्य बना के बताते हैं, इसको अब क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक यहाँ पे निगेटिव का वाक्य लिखा हुआ, अगर इसको हमको अफर्मेटिव बनाना है तो क्या है, क्या लिख सकते हैं, मैं खाता हूँ, ये अफर्मेटिव हो गया, उसके बाद ये निगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसको लिख सकते हैं क्या मैं खाता हूँ, अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ। ये चार वर्क हो गया, एक यहाँ है, 2 3 4 अभी भी 2 बनेगा, एक तो क्या होगा WH में अफर्मेटिव और एक होगा निगेटिव। तो अगर इसी को क्या करेंगे, मैं कब खाता हूँ, और एक होगा मैं
कब नहीं खत्म, छह वाक्य हो गया। तो एक फॉर्मूला को हम छह फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं और एक वाक्य को छह वाक्य में से वाक्य या सेंटेंस का वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस। तो वाक्य या सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए 12 का 72 फॉर्मूला होता है। अब इसको बताते हैं पहचानने का तरीका क्या है। तो ये वाक्य देखकर ही पता चल जाएगा कि इसके पहचानने का तरीका क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहता है, बोर्ड पर ध्यान दो सामने, ठीक है। जिस वा हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, यानी कि उसके लास्ट में ता सिंबल रहना चाहिए, ता से रिलेटेड यानी त होना चाहिए, तो उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य माना जाता है। और इसका बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अदर वर्ड या कोई वस्तु, या तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कर्ता, क्रिया और कर्म, इसको कर्म भी कहा जाता है। अब जहाँ हमको ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वहाँ कहा जाता है सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव। जैसे अगर कह देंगे मैं खाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें मैं खाता हूँ तो आई ईट, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि क्या खाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई ईट, तो उस पर क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव। लेकिन बोलेंगे कि मैं आम खाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आम, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी से पांच फॉर्मूला और बनेंगे, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, तो जब जैसे ही डू या डज आएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा वी वन हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा, तो डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज है, अगर डू और डज के साथ नॉट है तो अगर इसको एक साथ लिखेंगे तो इसको डोंट भी लिख सकते हैं, तो डोंट या डजंट, डोंट या डजंट, तो अगर इसको एक साथ लिखेंगे तो डू या डज को जोड़ देंगे तो क्या होगा डोंट होगा या डजंट होगा। तो जो ज्यादा समझ में आएगा जो वाक्य उस तरीके से बना सकते हैं, तो डोंट पे भी बना सकते हैं या डू या प्लस नॉट पे भी बना सकते हैं। तो क्या जगह डू डज सब्जेक्ट वी वन और ऑब्जेक्ट, जैसे ही डू या डज होता है ना तो उसका वी फाइव नहीं लगता है, उसके बाद इसमें आएगा निगेटिव है तो डू या डज हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज इसमें बता दे रहे हैं, अगर नॉट यहाँ पर है तो ठीक है, अगर डू के साथ जोड़ देंगे तो अगर डोंट हो जाएगा डोंट या डजंट, डी ओ ई एस एन टी डजंट है तो उसका सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट ही होगा, ये वाला फॉर्मूला है। अगर ये और ये दोनों सेम है, क्या किए हैं डोंट को डी ये डज डू या डज के साथ नॉट को लगा दिए हैं तो यहाँ पे नहीं हो सकता। उसके बाद डब्ल्यू एच का, तो डब्ल्यू एच का होता है डब्ल्यू एच वर्ड पहले हो जाता है उसके बाद तब डू या डज होता है फिर सब्जेक्ट फिर वी वन प्लस ऑब्जेक्ट फिर डब्ल्यू एच में निगेटिव होता है डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इतना होता है, ठीक है। तो ये तो टोटल बनाने का ये फॉर्मूला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और इसमें ये वाले फार्मूला का प्रयोग करके, सॉरी ये वाले नहीं, ये वाले फार्मूला का ये वाक्य लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो टोटल इसमें अभी ये वाक्य बना के बताएंगे। और सबसे पहला वाक्य है मैं नहीं खाता हूं, तो इस अगर यही पर आता कि मैं खाता हूं तो आई, लेकिन मैं नहीं खाता हूं तो क्या आता है सब्जेक्ट आई, मैं नहीं खाता हूँ, तो आई के साथ क्या लगाएंगे डू या डज, तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लुरल में डू लगेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज लगता है, तो इसमें क्या लगाएंगे तो आई डू नॉट
आई डू नॉट ईट, अगर इसी को एक साथ जोड़ देंगे या तो आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट, मैं आम नहीं खाता हूँ, तो हो जाएगा मैं का आई आम नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब ईट, आई डू नॉट ईट, और इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है तो आम, और तो यहाँ पर क्या कर देंगे आम का सुनिए, तो आई डू नॉट ईट एम ए एन जी ओ, और ये चीज़ यहाँ पे कुछ छूट रहा है, क्योंकि हम एक बार में खाएंगे आम तो एक ही आम खा सकते हैं ना, 75 आम तो नहीं खा सकते हैं, तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो, अब अच्छा हो गया, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये लिखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद आते हैं मैं नहीं जाता हूँ, तो मैं नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो, उसके बाद क्या है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, उसके बाद तो आई मैं का क्या हो जाएगा आई, उसके बाद स्कूल का हो जाएगा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा।